Assalamu alaikum students, how are you all? Dear students, today we will discuss word problem number 1, 2 and 3 are page number 97. So let's start. Open page number 97 of this book. Word problems. Solve the following word problems writing complete statements. Kehte hain word problems ko solve kare aur complete statements likhe. Question number 1 hai, mother takes Rehan to an orphanage. Kehte mother hai ek jo Rehan ko ऑर्फनेज ले गई है, मतलब यतीम है ना, जहाँ पे यतीम बच्चे रहते हैं वहाँ पर ले गई है. शी शेयर्स 88 सैंडविचेस इक्वली. कहते हैं उसने 88 जो सैंडविच वो इक्वली बराबर के मतलब वो शेयर किए हैं अमंग 9 चिल्ड्रन, 9 बच्चों के दरमियान, मतलब 9 बच्चों को 88 जो सैंडविचेज हैं वो दिए हैं इक्वली. हाउ मैनी डज ई चाइल्ड गेट. कहता है हर एक बच्चे को कितने मिलते हैं. एंड हाउ मैनी सैंडविचेज आर लेफ्ट ओवर, और कितने रह गए हैं. तो बहुत ज़्यादा ईजी है, 88 को 9 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो इसमें कोफिशिएंट भी हमारे पास आएगा जो उसको मतलब बच्चों को मिले हैं, और जो हमारे पास रह जाएंगे वो भी आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट ओवर रिमेनिंग रिमाइंडर भी हमारे पास आएगा, ठीक है. तो पहले है नंबर ऑफ सैंडविचेस. क्या स्टेटमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ सैंडविचेस लिख लें या टोटल सैंडविचेस लिख लें. नंबर ऑफ सैंडविचेस कितने हैं, 88. शेयर्स बिटवीन या नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दें. शेयर्स बिटवीन कितनों के दरमियान शेयर हुए हैं, कितने हैं वो, 9 है. अब ई चाइल्ड गेट ये मालूम करना है हम लोगों ने, ईच चाइल्ड गेट, ठीक है. और क्या मालूम करना है, रिमेनिंग रिमेनिंग सैंडविचेस, ठीक है. ये दो चीज़ें हम लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर इक्वल का साइन लगा दें, ये डिवाइड करके हमारे पास आएगा. 88 को 9 पे डिवाइड करो, हमें पता है 9 9 81 है और 9 10 90 है, तो 9 9 81, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, ये 7 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, और ये है हमारे पास कोएफिशिएंट, मतलब 9 बच्चों को 9 9 मिले हैं और 7 जो हैं वो रह गए हैं, ठीक है. ई चाइल्ड गेट कितने हैं, वो 9 सैंडविचेज हैं, ठीक है, 9 सैंडविचेज, ठीक है. और रिमेनिंग कितने रह गए हैं, 7 सैंडविचेस, ठीक है. कितने रह गए हैं, 7 सैंडविचेस. देखिए कितना ज़्यादा आसान था. क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ऐसे ही है, डिवीजन वाला क्वेश्चन है वो भी. देर आर 34 चॉकलेट्स इन द पैकेट. कहता है एक पैकेट में 34 चॉकलेट्स हैं. सीमा वांट्स टू ईट इक्वली अमाउंट इन 5 डेज. कहते सीमा चाहती क्या है कि 5 दिनों में वो बराबर चॉकलेट्स खाए. हाउ मैनी चॉकलेट्स विल शी ईट डेली. कहते वो डेली कितनी चॉकलेट्स खाएगी. एंड हाउ मैनी विल बी लेफ्ट ओवर, कितनी रह जाएंगी. तो टोटल चॉकलेट्स के लिख लें पहले, या चॉकलेट्स इन अ पैकेट लिख लें, चॉकलेट ये सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है. चॉकलेट्स चॉकलेट्स इन अ पैकेट कितनी है, 34. और कितने दिनों में वो खाना चाहती है, उसकी स्टेटमेंट होगी सीमा वांट्स टू ईट इक्वल अमाउंट इन कितने डेज है, 5 डेज. 5 डेज में खाना चाह रही है, स्टेटमेंट बुक से मैंने लिया है, ठीक है. आगे शी विल ईट डेली कितनी खाएगी ये मालूम करना है. और रिमेनिंग चॉकलेट्स देखिए सेम क्वेश्चन है वैसे, रिमेनिंग चॉकलेट्स ये मालूम करना, ठीक है. तो 34 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 पे, हमें पता 5 7 35 बड़ा हुआ है, 5 6 30 माइनस करेंगे 4 में से, 0 माइनस किया 4 आ गए, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर जो रिमेनिंग है, और ये हमारा है कोएफिशिएंट, ठीक है. शी विल ईट कितनी होगी, 6 चॉकलेट्स वो रोज़ाना खाएगी, और रिमेनिंग चॉकलेट्स कितनी रह गई है, 4, ठीक है. आगे है क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी हम लोग सोल्यूशन मालूम करेंगे. सेम ऐसा क्वेश्चन है, चेंज बिल्कुल भी नहीं है.
क्वेश्चन नंबर थ्री है, रमीज बायस 46 गोल्फ बॉल्स, कहता है रमीज ने बाय की हैं 46 गोल्फ बॉल्स, ठीक है, ही पैक्स 8 ऑफ देम इन वन पैकेट, कहता है उसने 8 के यहाँ किए हैं एक पैकेट में पैकिंग है, हाउ मैनी पैकेट्स डज ही मेक, मतलब कितने पैकेट्स बनाएगा, हाउ मैनी गोल्फ बॉल्स आर लेफ्ट ओवर, कितनी गोल्फ बॉल्स रह जाएंगी, 46 को 8 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास वो पैकेट्स आ जाएंगे और जो रिमेनिंग रह गया रिमाइंडर आएगा वो हमारे लेफ्ट ओवर होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी ये क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, आएगा रमीज बायस, क्या आएगा पहले रमीज बायस, रमीज बायस कितनी है 46 गुड बॉल थी, ठीक है, और उसके बाद क्या, ही पैक्स इन वन पैकेट, ही पैक्स इन वन पैकेट, वन पैकेट में उसने कितनी पैकिंग है, 8 पैकिंग है, अब पैकेट्स ही मेक, टोटल पैकेट्स ही मेक लिख लेंगे या पैकेट्स ही मेक लिखें, पैकेट्स ही मेक जो उसने बनाने हैं वो मालूम करने हैं हम लोगों ने, और बॉल्स आर लेफ्ट, जो बॉल्स रह जाएंगी बॉल्स आर लेफ्ट ये मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 46 को डिवाइड कर देंगे 8 पे, हमें पता है 8 6 48 बड़ा हो गया तो 8 5 कितना हो गया 40, इसके लिए सूटेबल है, 6 में 0 माइनस करेंगे 6, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर और ये आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट, 5 मतलब वो 5 पैकेट्स बनाएगा, टोटल पैकेट्स ही मेक कितने हैं 5 पैकेट्स, और बाद बार लेफ्ट कितने रह गई हैं 6 जो रिमाइंडर है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए कितने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है, आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।